नमस्कार, स्ट्रीट बस न्यूज में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ प्रतिमा सा। नीमडी क्षेत्र संख्या 4 के जिला परिषद प्रत्याशी आसित सिंह पात्र ने चलियामा टोला के बांधडी, हरेंगा, टेंगाडी, आदरडी, लाकड़ी, बागड़ी, चतरमा गांव के साथ नीमडी प्रखंड के विभिन्न पंचायत के गांव में चलाया जनसंपर्क अभियान। इस दौरान ग्रामीणों ने अपना समर्थन जताते हुए श्री आसित सिंह पात्र को जिताने का दिया आश्वासन। आसित सिंह पात्र ईमानदार और कर्मठ प्रत्याशी माने जाते हैं तथा क्षेत्र की जनता के साथ उनका जुड़ाव भी रहा है, इसलिए जन समर्थन उनके साथ दिख रहे हैं। जिला परिषद प्रत्याशी श्री आसित सिंह पात्र ने डोर टू डोर जनसंपर्क कर लोगों से अपील किया है कि जनता अगर मुझे मौका देगी तो इस क्षेत्र का सर्वांगीण विकास के लिए मैं पूरी ईमानदारी के साथ काम करूंगा। इस दौरान उन्होंने लोगों से चुनाव चिन्ह चूड़ियां छाप पर मत पत्र क्रमांक संख्या 3 पर मोहर लगाकर वोट देने की अपील की। दलमा के तेराई में उनके पिता स्वर्गीय संकरी बाबू क्षेत्र में लोकप्रिय पूर्व प्रमुख थे, जिससे इस क्षेत्र में उनके पूर्वजों का प्रभाव बताया जा रहा है। आज दलमा के तेराई के लोगों ने आसित सिंह उर्फ अप्पू को व्यापक जन समर्थन दिया। उनके समर्थक भी अप्पू बाबू को चूड़ियां छाप पर वोट देने की अपील जनता से कर रहे हैं। इस क्षेत्र की जनता ने भी उन्हें उनके पिताजी की विरासत को संभालने और जन प्रतिनिधि तत्व का आग्रह किया है। उन्होंने स्ट्रीट बज से कहा कि इस क्षेत्र को आदर्श प्रखंड बनाना, साथ ही जनता को मूलभूत सुविधा जैसे बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य, पेयजल, सड़क, नाली, दिव्यांग एवं विधवा वृद्धा पेंशन, किसानों को योजनाओं का लाभ दिलाना, गरीब परिवारों को राशन कार्ड उपलब्ध कराना और गांव में युवाओं को रोजगार का अवसर देना हमारी प्राथमिकता होगी। मैं पहले से ही समाज सेवा में रत हूँ। जब मैं छोटा था उसी समय से मेरा एक मकसद और ये था कि मैं लोगों की सेवा करें, इसे सेवा करें। दिन प्रतिदिन घूमते गया मैं लोगों को। एकदम जब मैं छोटा था तो मैं एक छोटा सा बुक बैंक किए थे, जिसमें छोटा छोटा बच्चा को बुक वुक वगैरह देते थे। इसी साथ साथ जिस परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ वो परिवार पहले से ही लोगों के बीच रहा करते हैं। संकरी बाबू का मैं लड़का हूँ। पहले संकरी बाबू वो प्रमुख रह चुके थे, लोगों की सेवा करते थे। उसी से मेरा पूर्वजों से मेरे सेवा भावना लोगों के बीच है। तो इस अंचल जो दलमा तराई क्षेत्र के जितने सारे गांव हैं, निमडी, चांडील, पटमदा, बड़ाम, पहले माओवादी अफेक्टेड एरिया था, माओवादी ग्रसित था। उस माओवादी को हटाने के लिए हम लोग दिन रात एक करके लोगों के साथ दिए। उस लोगों को साथ दे के लोगों ने ही एक कमेटी तैयार की, दलमांचल सुरक्षा समिति। उस समिति को तैयार करके लोगों ने ही उस समिति में हम पीछे से सहयोग किए। माओवादी लोगों को बैकफुट में हम लोग किए। फिर दलमा क्षेत्र पूरा माओवादी से मुक्त हो गया है। साथ साथ हमको दो दो बार पंचायत समिति के सदस्य के रूप में समारपुर पंचायत से मुझे निमडी प्रखंड लोगों ने भेजा। हम अच्छी तरह से पंचायत समिति से लोगों को सेवा की। उसके बदौलत मैं एक बार मुझे निमडी प्रखंड के सभी लोगों ने, पंचायत समिति के सभी सदस्य ने मुझे प्रखंड प्रमुख के रूप में पदस्थापित किया। साथ साथ जब मैं प्रखंड प्रमुख हूँ, मेरा एक उपलब्धि है, मैं पहले 35 किलो चावल के जगह 31 किलो 32 किलो दिया करता था, तो मैं 35 किलो जितना यूनिट है उतना ही यूनिट लोगों। उस गांव के लोगों का जो उभार आ रहा, जनता का जो उत्साह देख रहे हैं, वो उत्साह लेकिन आज अजब टाइप का उत्साह देखने को मिल रहा। हर आदमी घर से निकल करके आसित बाबू को अपना आशीर्वाद मिल रहा। हर आदमी नम्र निवेदन के साथ, एक गौरव के साथ अनुभव कर रहा लोग कि आज हम लोग अच्छा कैंडिडेट हम लोग को मिला है, जो कैंडिडेट आसित बाबू पत्र है और हम लोग उसको मदद करेंगे। पूरा रुझान है हर गांव से, बाड़ेजा से लेकर के झिमड़ी तक, हम लगभग सभी गाँव में देखे। आप एक चीज बताइए लालमोहन जी, ये आपको निमडी में निमडी प्रखंड से 17 कैंडिडेट है और 17 कैंडिडेट से हमको एक कैंडिडेट को विजयी बनाना है और आपको पार्टी को बड़ी रुझान में आए हैं, तो कैसे आपको पार्टी के रुझान आ रहे हैं गांव गांव में? रुझान का मतलब है कि जिस परिवार से
असित बाबू उभर के आया है, बिलोंग कर रहे हैं, उस परिवार का इतिहास है कि इन लोग जनता का सेवा उसका पिताजी से लेकर के आज तक एक भी आरोप, एक भी माने 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 गलत माने बात, गलत काम, एक भी दुश्मन भी नहीं बोल पा रहा है। देश दुनिया की खबरों से अपडेट रहने के लिए देखते रहिए स्टेट बस। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।